मेरा क्या हुआ था कि मेरे को दीपक ब्याह का कॉल आया था। दीपक ब्याह ने बोला कि ऐसे ऐसे मुकेश इंजर्ड हो गया है, तो एक बार आ जा और यहाँ पे ट्रायल्स है, दो दिन के लिए आ जा। मैंने कहा ठीक है, मैं आया यहाँ पे। और फिर मेरा ट्रायल्स हुआ, मतलब मैच, पहले मैच में बॉल डाला मैंने, फिर उसके बाद एक दिन प्रैक्टिस सेशन में बॉल डाला, फिर मेरे को शाम को, फिर अगले दिन तो अहमदाबाद के लिए निकल ही रहे थे, ट्रैवलिंग थी, तो शाम को उसी दिन फ्लेमिंग आके बोले मेरे को कि ऐसे ऐसे हम आपको आज साइन कर लेंगे, तो ऐसे आप, वो मोमेंट बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत, क्योंकि आप एक साल में अनचोल रहा, इस सीज़न में डोमेस्टिक राजस्थान में मेरे को मौका नहीं मिला, मैं नागालैंड से खेला और फिर वहाँ जाके मैंने परफॉर्म भी किया ठीक। और फिर एक वो रहता है कि यार, फिर एक वो था कि मैं आईपीएल में जाऊंगा, बिकूंगा, लेकिन नहीं बिका, थोड़ा वो था कि यार मैं बिका नहीं, बट उसके बाद भी ये था कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे, वापस कमबैक करेंगे। तो फिर यहाँ पे आया, दीपक भैया ने जो हेल्प किया, फिर यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको साइन कर रहे हैं, वो मोमेंट तो एक अलग मोमेंट था। क्यों मोमेंट अलग था, क्यों आपको कुछ टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपको चाहते हो ना, तो आपको एक अलग वो आती है, तो ये अलग फीलिंग। ट्रेनिंग के बाद में बस में आ गया था, बस में बैठ गया था, तो अपने लक्ष्मी सर, उन्होंने बुलाया, आकाश 12, तो उन्होंने बुलाया, फिर फ्लेमिंग से मिलाया, तो फ्लेमिंग सर ने कहा कि ऐसे आपको आज हम साइन कर रहे हैं, और ये तो फिर वो मोमेंट तो अच्छे थे। भाई को बोला कि हाँ शायद हो गया है, मेरे को बोल दिया ऐसे, तो बस भाई को बात किया, भाई से बात करता हूँ जब भी कुछ होता है, पहले कुछ भी चीज़ें, तो भाई से बात किया, भाई को बताया, बस फिर बस में आके फिर एक थोड़ा एक सुकून सा मिला, लेकिन ये है कि यार अच्छा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं, जैसे मेरा रूटीन था, जैसे जो सारी चीज़ें चलती आई सेम, वैसे कितना भी आप खेलो, कितना भी आप नहीं खेलो, आपका जो रूटीन है, जो आपका प्रोसेस है ना, वो आपका हमेशा बेटर 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 सेम चलता रहता है। क्योंकि जितने भी प्लेयर आईपीएल 3 साल 4 साल 4th साल है, इसको सिर्फ सीनियर प्लेयरों से आप क्या सीखते हो, लेजेंड से आप क्या सीखते हो, ये चीज़ें सीखते हो कि आपको जब आपका टाइम ख़राब चल रहा है या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, उस टाइम पर आप कैसे परफॉर्म बेटर कर सकते हो, और कैसे आपको अपना मेंटली आपको उस टाइम पर अच्छा रहना है। तो वो सारी चीज़ें सीखी सीनियर प्लेयरों से, वो चीज़ को सीखने के बाद अप्लाई किया, वो हेल्प बहुत अच्छा हेल्प किया। जो अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, इस लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिलना एक बड़ी अच्छी बात है। इसको मैं ज़्यादा, इसको पता है, मेंटली आप वो नहीं लेते कि यार अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करना है, ग्रैब करना है, नहीं, उसके आप प्रेशर आते हो। जैसे इस टीम में हूँ ना, तो इस टीम से आपको, टीमों से ये सीखना है कि जिस टीम में हूँ ना, उस टीम का प्रोसेस क्या है, हमारी टीम का प्रोसेस क्या है, कि प्रोसेस जो रहता है ना, कैसे प्रोसेस है अपना टीम का, प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेरा यही है सिर्फ कि हाँ, ये अपॉर्चुनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करना है, पकड़ना है, परफॉर्म करना है, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे बेटर करने के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना है, जो आप प्रैक्टिस में बेटर होना है, एवरीडे प्रैक्टिस में बेटर होना है, वहाँ पे जाके अपनी जो प्रैक्टिस में जो आपने अपनी स्किल सीखी है, उनको ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट करना है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो मैं सिंपल रखता हूँ, प्रैक्टिस में उस तरीके से करता हूँ जिसको मेरे को मैच में जाके एग्जीक्यूट करना है, तो मेरे लिए आसान हो। कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस रहेगा तो मैच में ऑब्वियसली बहुत अच्छे डालने वाले हो आप, कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आता है, इन दो चीज़ पे बिलीव करता हूँ। चेन्नई का क्राउड और चेन्नई की टीम का, देखो चेन्नई की टीम का चेन्नई में क्राउड तो रहेगा ही, लेकिन बाहर पे भी आप किसी बाहर खेलने गए ना, तो ऐसा नहीं लगता कि हम अवे गेम खेल रहे हैं। सारी जगह जब जाते हैं ना सुपर किंग्स, तो ऐसा लगता है कि हमारा ये होम गेम है, क्योंकि वो एक क्राउड का एक अलग वो है, वो माहीवाई जो लेजेंड है ना, वो उनकी वजह से है, क्योंकि सब जो उनको जितना प्यार मिलता है ना, वो एक बड़ी बात है। तो यहाँ का चेपोक का और होम क्राउड, और जो ये क्राउड जब चिल्लाता है, और यहाँ पे तो क्या होता है, बिसल और बजती है, और बिसल के बाद जो कानों की जो आवाज़ है, वो तो अमेजिंग,